नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्निवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6-12 पढ़ा, जो कि आपका वन लाइनर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 2 संविधान के विभिन्न प्रावधान व स्रोत। ठीक है, तो संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत आज हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 2 आ गया, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। ठीक है, द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपका जो रूस के संविधान से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज आपका जो रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, सेकंड आपका भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभी प्रेरित है, तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया, तो फ्रांस की देश से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन, तो भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है और इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है, तो भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है और इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया, आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित, तो भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आपका जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट आपका शक्तिशाली केंद्र के साथ, तो शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघातात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघातात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम आपका कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कॉन्क्रेंट लिस्ट किस देश से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई, तो आपका जापान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किस देश के संविधान से, तो आपका रूस के संविधान से है। ठीक है, भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो आपका ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, तो भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान के प्रावधानों से प्रेरित है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया प्रावधान, तो विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया प्रावधान, तो इधर आपका देश है, इधर आपका प्रावधान है। ठीक है, तो अमेरिका के, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग मूलाधिकार, ठीक है, तो मूलाधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनर्वलोकन सर्वोच्च न्यायालय एवं, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति का राष्ट्रपति पर महाभियोग जनहित याचिका न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली उपराष्ट्रपति का पद और आपका जो है दसवां जो है यथोचित विधि प्रक्रिया पर दिया गया है। ठीक है, तो आपका अमेरिका से स्थापना के साथ हम भारत के लोग मूल अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनर्वलोकन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग जनहित याचिका और न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली, ठीक है, और आप राष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्रिटेन से, तो आपका ब्रिटेन से क्या लिया गया भारत का संविधान में, तो विधि का शासन, ठीक है, तो विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली होना चाहिए, एकल नागरिकता द्विसदनीय व्यवस्था विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, तो विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो विधि का शासन संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता द्विसदनीय व्यवस्था विधि निर्माण प्रक्रिया सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार आपका दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या
आपका भारत के संविधान में अपनाया गया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कनाडा, तो आपका कनाडा से क्या लिया गया, तो सशक्त केंद्र के साथ, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र राज्य केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संघातात्मक विशेषताएं, ठीक है, ये आपका कनाडा के लिया गया। ठीक है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आपका संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या है, तो समवर्ती सूची, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आयरलैंड, तो आयरलैंड से आपका राज्य की नीति, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन, ठीक है, दिया आपका आयरलैंड से। फ्रांस से आपका जो है गणतंत्रात्मक, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से आपका जो मूल्य कर्तव्य, तो रूस से आपका मूल्य कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, आपका जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है, तो जर्मनी से आपका आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो है स्थगन। और जापान से आपका क्या है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, जापान से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रिटेन से आपका विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, तो आपका ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, और तो आपका विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, और आपका जो है देखिए यहाँ पर जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है, तो ये आपका लिया गया जापान के संविधान से। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर है भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया, तो भारतीय संविधान में, ठीक है, लिखा है यहाँ पर भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, तो आपका लॉ कैसे आपका बनेगा वो आपका ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है, तो आपका लॉ के द्वारा जो भी कानून बनाया गया उसको जो कैसे प्रोसेस में लाया जाएगा वो जापान से लिया गया, ठीक है, और विधि बनाने का काम आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कल हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा जो कि आपका भारतीय संविधान के बाद पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो कल हमारा चैप्टर नंबर 3 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।